हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में आपको इसी Realme C53 स्मार्टफोन के टॉप 60 टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। जो हैक्स, जो फीचर्स, जो सेटिंग्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में इस स्मार्टफोन के, आप उनको यूज़ करके, उनको ऑन करके अपने स्मार्टफोन का यूजिंग एक्सपीरियंस और भी अलग तरीके से ले सकते हैं। कमाल का एक्सपीरियंस आपका रहेगा। वीडियो देखते वक्त यहाँ पर जो कैप्शन आपको दिखते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ दिखता है, इसको ऑफ करने के लिए डबल सी पर क्लिक करेंगे, अभी ऑफ जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन ओपन करके यहां पर साथ में आप मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करेंगे, स्प्लिट टॉप पर हम क्लिक करेंगे, इसके बाद रिसेंट्स में आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप इस तरह से ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, दो एप्लीकेशंस ओपन है एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में, एक ही फ़ोन में। तो आप दो एप्लीकेशंस इस तरह से यूज़ करना चाहे आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। इसके अलावा आप मेनू बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देख लीजिए, इतना आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो मेनू बटन पर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट पर क्लिक करना है, तो यहाँ से भी वो स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वैल्यू मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, उसके बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में आना है, उसके बाद नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है। ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना। आपको व्हाट्सअप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो यहां पर वो दिखेगा, 24 घंटे तक वो मैसेज रहेगा। इसके अलावा आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहां पर भी वो सेव हो जाएगा, 24 घंटे तक वो मैसेज को आप यहां पर देख सकते हैं, उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जो आपको नोटिफिकेशन आया था। एक और स्टेप बैक आते हैं, आपको यहां पर मिलता है मिनी कैप्सूल। आप इस सेटिंग को हम ऑन करेंगे, बैटरी स्टेटस को ऑन करेंगे, डेटा यूजेज को ऑन करेंगे और यहां पर स्टेप स्टेटस को हम ऑन करेंगे। उसके बाद ये है दोस्तों डायनामिक आइलैंड आता है ना, जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज में आता है डायनामिक आइलैंड, वैसे डायनामिक आइलैंड आएगा इस फोन में। ये भी काफी कमाल का फीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं जैसे आप चार्जिंग वगैरह लगाते हैं। अगले फीचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, आना है इस तरह से नीचे डिस्प्ले में आना है। यहां पर है दोस्तों एडेप्टिव ब्राइटनेस, आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे आप स्क्रीन को देखेंगे तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, स्क्रीन से आप नजर हटाएंगे तो ब्राइटनेस कंट्रोल में आता है, कम होता है, ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा लॉक स्क्रीन में आपको आना है, उसके बाद एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहां पर आप जो भी लिख कर डालेंगे, जो भी टेक्स्ट, जो भी फॉन्ट्स आप लिख कर डालेंगे, अपना नंबर हो, नाम हो, जो भी आप यहां पर लिखेंगे वो नाम आपका लॉक स्क्रीन पर आपको बताएगा। यहां पर मैंने नबील बोलकर मेरा नाम डाला है, यहां पर मेरा नाम यहां पर हमको दिख रहा है। इसके अलावा आते हैं दोस्तों यहां पर नीचे, यहां पर है डबल लाइन क्लॉक, मतलब लॉक स्क्रीन पर आपको डबल लाइन वाला क्लॉक बताना चाहिए या सिंगल, ये आप यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन, इसको आपने ऑन किया तो अब मान लो आपको यहां पर होम स्क्रीन पर जहां पर भी खाली जगह दिखता है वहां पर डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है आपका स्मार्टफोन। अगले फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, आपको आना है इसी डिस्प्ले सेटिंग में, उसके बाद नीचे आएंगे, यहां पर है स्क्रीन टाइम आउट, आप यहां पर मैक्सिमम 30 मिनट तक कर सकते हैं। आपने यहां पर एक मिनट कर लिया तो आपने फोन को यूज करना बंद कर दिया, लेकिन स्क्रीन ऑन है तो एक मिनट के बाद में ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। एक और स्टेप बैक आते हैं, यहां पर आपको मिलता है डार्क थीम, आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता है स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है, आप इसको ऑन करके यूज़ करेंगे तो। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ठीक नीचे है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट, आपको इस सेटिंग में आना है। अगर आपकी आँख कमज़ोर हैं, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो यहाँ से आप जो फॉन्ट्स हैं ना उसको बड़े कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये इतने होते हैं, इतने छोटे होते हैं टेक्स्ट, ये देख लीजिए कितने छोटे दिख रहे हैं, आप इतने बड़े आप यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर सकते हैं, इतने बड़े हो जाएंगे, हम इतना कर लेता हूँ मीडियम। तो चलिए, उसके बाद उसके ठीक नीचे आपको यहाँ पर मिलता है डिस्प्ले साइज, मतलब आप यहाँ से इसको बड़ा करेंगे तो ये बटन के साथ में जो भी आइकन्स हैं यहाँ पर, ये सारे बटन्स के साथ में, सारे फीचर्स के साथ में अंदर का जो भी स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आप बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोल्ड टेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट है ना, जो फॉन्ट्स हैं वो बोल्ड हो जाएंगे, कुछ इस तरह से हो जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑफ करूँगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, ऑन करूँगा तो कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको मिलता है हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने जो फॉन्ट्स हैं उसको आप कॉन्ट्रास्ट में लाना चाहे तो आप ला सकते हैं इसको ऑन करके, ये देख सकते हैं। ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ऑफ करूंगा तो कुछ इस तरह से दिखता है। एक स्टेप बैक आते हैं, इसी
डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद नीचे आएंगे यहाँ पर नाइट लाइट, हम इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आती, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स। आप इसको ऑन करके रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो ब्लू लाइट्स फिल्टर होते हैं, आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद टाइम टू टाइम आएगी दोस्तों। तो चलिए उसके बाद आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग हुए तक। तो चलिए उसके बाद नीचे आने के बाद कलर टेम्परेचर एंड कलर मोड्स आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर जो आपका जो कलर मोड है ना, आप यहाँ पर विविध और जेंटल, आपको जो कलर मोड अच्छा लगता है अपने स्क्रीन का वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका जो स्क्रीन का कलर है उसको भी यहाँ से आप वार्म कूल स्टैंडर्ड कर सकते हैं और यहाँ पर अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको मॉडिफाई। तो चलिए एक स्टेप बैक आएंगे। इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है वीडियो डिस्प्ले इन्हांसमेंट, इस सेटिंग में हमको आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है, अब मान लो थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा दोस्तों। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज़ करना, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो चलिए आते हैं दोस्तों एक और स्टेप बैक, ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन कर लेना है। अब मान लो आप जैसे रोटेट करते हैं फोन को तो अंदर का जो स्क्रीन है उसी तरह रोटेट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद उसके ठीक नीचे है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, आप यहाँ पर मैक्सिमम 60 हर्ट्ज तक कर सकते हैं। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन थोड़ा स्मूथ चलता है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन सेवर में आकर इसको भी ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। आप चार्जिंग लगाएंगे तो कैसा दिखे, आपको यहाँ पर कलर्स आप रखना चाहे कलर्स रख सकते हैं, अपना फोटो आप सेट करना चाहे फोटो सेट कर सकते हैं, अपने गैलरी का फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से जो आप रखना चाहे रख लेना, चार्जिंग लगाने के बाद उसी तरह वो आता है। चलिए उसके बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में इसी डिस्प्ले सेटिंग में आने के बाद में बैक लाइट पावर सेविंग, आप इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अगले फीचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब यूज कर सकते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो कॉल मैसेज कुछ भी आपको आता है तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन हाइब्रिड भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं, बाकी टाइम ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों आई कंफर्ट, आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, जो नाइट मोड होता है ना उसी के रिगार्डिंग ये भी फीचर है। इसके ऊपर आप एक बार लॉन्ग प्रेस करके, आपको रोजाना रात में ही ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं, आप क्या करेंगे इसको ऑफ करके शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ से इसको इस पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा, आपको रोजाना भी ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले फीचर के लिए हम इसी फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहे तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई भी ऐप लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर इसके ऊपर आप एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर इसके सेटिंग्स वगैरह कर लेंगे, स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से इसको आप स्टॉप कर सकते हैं, अभी ये गैलरी में सेव हो चुका है। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। इस तरह से हम स्लाइड करके देखें और क्या है मिलता है हमको, यहाँ पर QR कोड मिलता है, आपके यहाँ पर स्कैनर मिलता है, यहाँ पर मतलब अलो एक्सेस पर हम क्लिक करेंगे, कोई भी प्रोडक्ट पर है ना बार कोड वगैरह है, QR कोड है तो आप क्या कर सकते हैं इसको स्कैन कर सकते हैं। यहाँ से स्कैन करेंगे तो वो अपने कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर जाएगा, वो प्रोडक्ट के बारे में और भी वो जानकारी और भी डिटेल्स वो देगा। यहाँ से आप इसको स्कैन करके इजीली देख सकते हैं। अगले फीचर के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। उसके बाद यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद और यहाँ पर नीचे और बहुत सारे बटन्स हमको मिलते हैं, जो बटन हमको अच्छा लगता है उसको हम ड्रैग करके इसको ऊपर ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको फोकस मोड चाहिए, हम ड्रैग करके इस तरह से हम इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऊपर आकर बढ़ जाता है, इस तरह से हम इसको ऊपर लेंगे, यहाँ पर आ गया। तो चलिए यहाँ पर हमने लिया था दोस्तों लाइव कैप्शन, मतलब आप इसको ऑन करेंगे तो कोई भी वीडियो अगर आप प्ले करते हैं तो जो बातें वो वीडियो में हो रहे हैं वो कैप्शन वो टेक्स्ट में आपके यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेंगे आप इसको ऑन करेंगे तो। इसके बाद हमने लिया था यहाँ पर फोकस मोड, ये क्या है, आप क्या कर सकते हैं शो ऑल ऐप पर क्लिक करके आएंगे, यहाँ पर आप कोई भी एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशंस के नोटिफिकेशंस भी ना आए और वो एप्लीकेशंस ओपन करेंगे तो ओपन भी ना हो, ऐसे करना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो क्या करेंगे उन एप्लीकेशन को हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए उस एप्लीकेशन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर टर्न ऑन नाउ पर क्लिक करके इसको टर्न ऑन कर लूँगा। अभी वो एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और यहाँ से इसके नोटिफिकेशंस भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। अभी यहाँ पर मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ, ऑफ करने के बाद इसके नोटिफिकेशंस भी आएंगे
और वह एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ओपन भी होंगे। अगली बार से यूज़ करना है तो इतना सारा सेटअप करने की आपको ज़रूरत नहीं। इसी नोटिफिकेशन पैनल में आकर यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, एक बार फोकस मोड को तो ऑन हो जाता है, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाता है। और एप्लीकेशन आप इसमें ऐड करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप और एप्लीकेशन इसमें ऐड करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सेट ए शेड्यूल पर क्लिक करके यहाँ पर इसको शेड्यूल पर भी सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, किस टाइम पर वो ऑन हो। ऑटोमेटिक आपको रोजाना भी ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फोकस मोड को। अगले फीचर के लिए हमने यहाँ पर और लिया था यहाँ पर बेड टाइम मोड, मतलब आप सोते हैं तो आप इसको ऑन करके सोना, आपको कॉल मैसेज कुछ भी आते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आपकी आराम से नींद होगी। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, एक बार टैप करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाता है। आपको दूसरा ऐप यहाँ पर इस तरह से ढूंढने की वगैरह आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको शॉर्टकट ही मिलता है। अगले फीचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे, कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आकर इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। आपको जो भी फेक कॉल्स वगैरह आते हैं तो पता चलेगा कॉल्स जो भी आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। आते हैं दोस्तों बैक, आपको यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स में आना है, उसके बाद अननोन को आप ऑन करेंगे तो जो नंबर आपके फ़ोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज़ के लिए यूज़फुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं, तो वो क्या करें इस सेटिंग को ऑन करें। नहीं तो आप इसको ऑफ करके एड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं, वो नंबर को डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो नंबर ब्लॉक हो जाता है। आप इस तरह से इसको ब्लॉक से निकाल भी सकते हैं। आते हैं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर आना नीचे डिस्प्ले ऑप्शंस में आपको आना है, चूज थीम पर क्लिक करके हैं से इसको डार्क कर सकते हैं। आप इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन लाइट मोड पर ही रहेगा, लेकिन ये फोन वाले एप्लीकेशन जो है वो इतना ही डार्क मोड में रहेगा, में कन्वर्ट हो जाता है। आते हैं एक स्टेप बैक, एकदम नीचे आएंगे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आप आकर अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर सकते हैं। अब मान लो आपको जो कॉल आ रहा है वो नंबर किस नाम से सेट है, वो नाम आपको स्पीकर में सुनाई देगा। आप कहीं दूर भी रखे हैं स्मार्टफोन को तो वो नाम सुनकर पता कर सकते हैं किस बंदे का कॉल आ रहा है बोलकर। अगले फीचर के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे होम स्क्रीन पर, उसके बाद यहाँ पर होम सेटिंग्स में हम आएंगे, उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन डॉट्स में हम आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है नोटिफिकेशन डॉट ऑन ऐप आइकन, ये ऑफ है तो हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अब मान लो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर आप पहचान सकते हैं उस ऐप से नोटिफिकेशन आया है बोलकर। अगले फीचर की बात करने के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करके होम सेटिंग्स में आकर इसी नोटिफिकेशन डॉट्स में आएंगे, यहाँ पर है नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन, मतलब आप यहाँ पर भी बाय डिफॉल्ट तो शो है, आप कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको दिखेगा किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं और क्या मैसेज आया है, वो आपको लॉक स्क्रीन पर बताता है, वो नहीं दिखना चाहिए दोस्तों। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आकर डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे। तो अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, पूरा नीट क्लीन बताता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आएंगे, उसके बाद डिस्प्ले ऐप अपडेट डॉट, ये ऑफ है तो हम इसको ऑन करेंगे। तो कोई भी ऐसे एप्लीकेशन हैं जो अपडेट करने के हैं तो उस एप्लीकेशन के ऊपर एक डॉट बताएगा, वो डॉट को देखकर पहचान सकते हैं इस ऐप का अपडेट आया है बोलकर। अगले फीचर के लिए उसके ठीक नीचे ऐप ड्राइवर सेटिंग्स में आपको आना है, यहाँ पर है दोस्तों शो ऐप सजेशन, ये ऑफ है तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे। तो अब मतलब जो एप्लीकेशन ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पर ऐप ड्राइवर ओपन करने के बाद वो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। अगले फीचर के लिए भी हम लॉन्ग प्रेस करते हैं होम स्क्रीन पर, होम सेटिंग्स में आते हैं, यहाँ पर ऐप ड्राइवर सेटिंग्स में हम आएंगे, यहाँ पर ये इस सेटिंग को ऑफ करेंगे तो जैसे अब ऐप ड्राइवर ओपन करते हैं वो कीबोर्ड आ रहा था अभी तक वो अभी नहीं आएगा, आना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं होम सेटिंग्स में आते हैं और इसी ऐप ड्राइवर सेटिंग्स में हम आते हैं, एड ऐप्स टू होम स्क्रीन, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो कोई भी नया एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर वो नया एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन में भी आएगा, यहाँ पर होम स्क्रीन पर भी आएगा। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, लॉन्ग प्रेस करते हैं होम सेटिंग्स में आते हैं, उसके बाद होम स्क्रीन में आएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप नो ऐप ड्रावर करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलते हैं। इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस नहीं आते, ये देख सकते हैं सारे एप्लीकेशंस इसी होम स्क्रीन पर आपको मिलते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको सेट कर सकते हैं। आप रेगुलर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए हम सेटिंग्स में आते हैं और ऐप्स में आते हैं, उसके बाद सी ऑल ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सारे एप्लीकेशंस दिखते हैं, कौन से एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन
नहीं आना चाहिए यहाँ पर ऊपर। आप हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को, तो आप उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन में आएंगे, ये ऑन है तो इस तरह से ऑफ करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन हमको नहीं आएंगे भी इस एप्लीकेशन के। इस तरह से आप कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को हमेशा के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए क्या करेंगे, आएंगे इस फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद इसी ऐप्स में हम आएंगे। ऐप्स में आने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर स्क्रीन टाइम में आएंगे। यहाँ पर सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके अलावा आप कौन से एप्लीकेशन को टाइमर के साथ सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस चलिए इस क्रोम को आप एक दिन में एक ही घंटा यूज़ करना चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, तो इस पर क्लिक करेंगे, एक घंटा यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर एक घंटा जैसे आप यूज़ करते हैं तो वो आपको रिमाइंड करता है। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में आपको लाइटिंग दिख रही है जो येलो कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊँगा। इसके लिए आपको ऐप मार्केट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करके आपको यहाँ पर सर्च करना है रिंग रिंग, ये देख लीजिए आप, विदाउट स्पेस रिंग एक और बार रिंग, इस तरह से आप सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन आएगा। इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करके सबसे पहले इसके सारे परमिशंस आपको देना है। जैसे आप परमिशंस देंगे तो आप आएंगे इस स्टेप में, ये ऑफ रहता है, सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को, ये होगा। और आप ये थोड़ा बड़ा रहता है, इसको छोटा करने के लिए इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको छोटा कर लिया, उसके बाद आप ये इस पर आप क्लिक करेंगे और बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से रहता है। आपको क्या करना है, अभी कलर सेट करने के लिए सेगमेंट कलर पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर सिंगल कलर को सेलेक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके कौन से कलर को आप चूज़ करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना, ओके पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से वो सेट हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी हम आएंगे सेटिंग्स में, नीचे आकर साउंड एंड वाइब्रेशन में हम आएंगे। आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स, इस सेटिंग में आपको आना है। यहाँ पर ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट नहीं होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं इसको टच फीडबैक को ऑफ कर सकते हैं। ये बटन पर क्लिक करने के बाद आपका स्मार्टफोन अभी वाइब्रेट नहीं होगा। तो चलिए आते हैं दोस्तों बैक, और बैक आने के बाद आपको नीचे आना है, ये जो सारे साउंड है ना सबको ऑफ करना है। सबको ऑफ करेंगे तो आपकी फोन की बैटरी बैकअप ज्यादा देगी। कैसे, अब मान लो आप इन सारे सेटिंग्स को ऑन करेंगे तो टच करने के बाद, लॉक करने के बाद, अनलॉक करने के बाद में बार बार स्पीकर से साउंड आता है, वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सारे सेटिंग्स को ऑफ करेंगे तो बार बार स्पीकर ऑन नहीं होगा और वहां से एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। अगले फ्यूचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग में आना है। आना है इस तरह से नीचे, आपको आना है अभी वॉलपेपर में, उसके बाद आपको चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे आप, तो माय फोटोज पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। इसके अलावा ऑन डिवाइस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो वॉलपेपर्स अच्छे लगते हैं उनमें से आपको जो अच्छा लगता है उसको आप यहां पर सेट करके रख सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं, अगले फ्यूचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इसी फोन के सेटिंग्स में, नीचे आकर इसी वॉलपेपर में हम आएंगे। नीचे आएंगे यहां पर आप अपना जो यूआई है उसके कलर को चेंज कर सकते हैं, मतलब यहां पर अभी कोई फीचर को ऑन करते हैं यहां पर ये भी फिलहाल ये कलर है तो आप इसका कलर को यहां पर चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये देख लीजिए अभी इसका कलर इस तरह से हो चुका है, इस तरह से आप जो कलर इसको सेट करना चाहे वो कलर से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगले फीचर के लिए यहाँ पर उसके ठीक नीचे दिखता है आपको थीमेड आइकन्स, आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं इस तरह से हो जाएंगे आपके एप्लीकेशंस के स्टाइल, मतलब यहाँ पर जो कलर है वो कलर में ये एप्लीकेशंस भी आपके उसी कलर में हो जाते हैं। ये देख लीजिए अभी कलर मैं बदलता हूँ तो वो एप्लीकेशंस के कलर भी इस तरह से हो चुके हैं। इस तरह से आप यहाँ पर जो कलर से आप इसको सेट करेंगे वो एप्लीकेशंस भी उसी कलर में हो जाते हैं। आप इसको ऑफ करेंगे तो आपके जो एप्लीकेशंस के जो कलर हैं बाय डिफॉल्ट वही हो जाते हैं अलग अलग कलर के, आपको जो अच्छा लगे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बैक आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं दोस्तों। सेटिंग्स में आकर इस तरह से नीचे आएंगे, आपको आना है स्मार्ट कंट्रोल्स में, उसके बाद स्मार्ट वेव को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फ़ोन को तो स्क्रीन पर आप डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद लिफ्ट टू चेक फोन, आप इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको नोटिफिकेशंस वगैरह आए हैं, कॉल्स वगैरह आए हैं, तो अब जैसे फ़ोन को उठाकर हाथ में लेंगे तो वो आपको अलर्ट करेगा आपको नोटिफिकेशंस कॉल्स वगैरह आए हैं बोलकर, चेक कर लो बोलकर। तो चलिए उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट मोशन में आपको आना है, आने के बाद इस सेटिंग को ऑन कर लेना है, ईजी आंसर को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फ़ोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाए
जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर इजी बेल को भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद म्यूट इनकमिंग कॉल्स को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, फ्लिप करते हैं फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाता है। तो चलिए आते हैं एक स्टेप बैक। उसके बाद पॉकेट मोड में आपको आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप टच डिसेबल को भी ऑफ कर सकते हैं, इसके बाकी के फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। टच डिसेबल को आप ऑन करेंगे तो आप जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो स्क्रीन वर्क करना बंद करेगा, स्क्रीन काम करना बंद करेगा। कभी कभी क्या होता है, आप जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखते हैं तो ऑटोमेटिक टच होकर वो कॉल रिसीव हो जाता है या तो कॉल कट जाता है। आप के साथ ये प्रॉब्लम होती है तो आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जेब में पर्स में स्मार्टफोन को रखने के बाद स्क्रीन काम नहीं करेगा, बाहर निकालने के बाद स्क्रीन काम करता है। तो चलिए बैक आते हैं, सेटिंग्स में आते हैं अगले फीचर के लिए। सेटिंग्स में आकर आपको इस सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट पर आप क्लिक करके यहाँ से इसको स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन ऐसे हैं जिससे आपके फ़ोन को रिस्क है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताएगा कौन सा एप्लीकेशन हैकिंग के रिलेटेड है बोलकर। तो चलिए एक स्टेप बैक आने के बाद फाइंड माय डिवाइस, हम इस सेटिंग को ऑन करेंगे। ऑफ है तो आपका स्मार्टफोन घूम जाता है तो आपको ट्रैक करने में थोड़ा आसानी होगी। तो चलिए और बैक आते हैं, इस सेटिंग को ऑन कर लेना। बैक आने के बाद एकदम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स में आना है। उसके बाद यहाँ पर एकदम लास्ट में मिलता है आपको ऐप पिनिंग, इस सेटिंग में हम आएंगे, इसको ऑन कर लेंगे। ओके पर आपको क्लिक करना है, आप लॉक सेट करके रख लेना, पैटर्न पिन पासवर्ड आपने जो भी सेट करके रखा है उसी से आप यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आपने कर लिया और उसके बाद यहाँ पर आपको स्मार्टफोन कोई भी मांगता है, दोस्त को कॉल करता हूँ बोलकर, और बाद में कॉल करके दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाता है, ये प्रॉब्लम आपके साथ होती है। तो आपको क्या करना है, फोन पर क्लिक करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करना है, उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आप यहाँ पर पिन पर क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है तो ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकता है, इसके अलावा दूसरा एप्लीकेशन वो ओपन नहीं कर सकता। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी वो नहीं कर सकता। आप इसको निकालना चाहते हैं, इसको निकालना तो आपको क्या करना होगा, बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना होगा आपको एक साथ में, तो ये निकल जाएगा। आपने लॉक स्क्रीन पर लॉक सेट करके रखा है तो आपको अनलॉक करना पड़ेगा, तभी आप इस स्टेप में आएंगे, तभी आप दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर सकेंगे। अगले फीचर के लिए हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, आएंगे इस तरह से नीचे, आपको यहाँ पर सिस्टम में आना है। उसके बाद नेविगेशन बार में आना है, ये बटन्स का सिस्टम आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब ये बैक बटन इधर, मेनू बटन इधर करना चाहें तो आप यहाँ पर कर सकते हैं इसको। ये देख लीजिए, बैक बटन इधर आ चुका है, मेनू बटन इधर आ चुका है। आप इसमें दूसरा बटन भी, चार बटन्स लेकर आना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसी से आप यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल भी लेकर आ सकते हैं। इसको ऑन करेंगे तो ये देख लीजिए आप नोटिफिकेशन पैनल लेकर आ सकते हैं। आप एक खास स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त में यूज़फुल हो जाता है। इसके अलावा आप पूरे बटन्स को ही हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नेविगेशन बार को ऑन करेंगे। इसमें आप पूरा हाइड नहीं कर सकते दोस्तों, अभी यहाँ पर हाइड है ना, तो आप क्या करेंगे, इस साइड स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पर बटन्स निकल कर आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बटन्स यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। बाद में इसको निकालने के लिए बस इतना करके आप और बटन्स यूज़ कर सकते हैं। बटन्स यूज़ करना खत्म हुआ तो इस पर क्लिक करके और हाइड कर सकते हैं, ये फीचर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी कमाल का दोस्तों, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे दोस्तों इसी Realme C53 स्मार्टफोन के, आपको मैंने बता दिया 60 से ज़्यादा फीचर्स। और आप इसी स्मार्टफोन के इसी तरह के टॉप 100 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरेस्टिंग फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैंने इसमें PUBG टेस्ट भी किया है और PUBG टेस्ट वीडियो में कितना हीट होता है ये भी बताया हूँ, और कितनी बैटरी ड्रेन होती है कितने मिनट्स में ये भी बताया हूँ PUBG टेस्ट वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें कैमरा के जो भी फीचर्स हैं, जो भी सेटिंग्स हैं, वो ऑन करें ऑफ करें, कौन सी सेटिंग ऑन करना है कौन सी ऑफ करना है, कौन सा फीचर क्या काम करता है, सारे फीचर्स मैंने एक्सप्लेन करके भी बताया है कैमरा के, वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद एक या डेढ़ साल के बाद में एक और वीडियो बनाऊंगा इस स्मार्टफोन का टिप्स एंड ट्रिक्स वाला, क्योंकि नया अपडेट आता है, नया अपडेट आने के बाद में सेटिंग्स फीचर्स चेंज हो जाते हैं, एक और वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।